हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया मिठाई की रेसिपी जो झटपट बनके रेडी होती है। साथ ही साथ ये कम खर्चे में बनने वाली है, क्योंकि आज हम इसको बनाने के लिए ना ही मावे का यूज करने वाले हैं ना ही दूध का। साथ ही साथ अगर किसी को चाशनी बनाने का झंझट लगता है तो वो तो इसको झटपट से बना लो कि चाशनी बनाने की भी इसको जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं अक्सर ऐसी मिठाई की रेसिपीज लेके आती हूँ जो बहुत ही ज्यादा ईजी हो और ऐसे सामानों से जो इजिली अवेलेबल भी हो। तो इस बढ़िया सी रेसिपी को बनाने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए। साथ ही साथ अगर आप मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस बढ़िया से मिठाई की रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक कढ़ाई। उसमें मैंने डाला है एक कटोरी गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम अपने घर में रोटी वगैरह बनाते हैं और ये हर किसी के घर में आसानी से मिल भी जाता है, तो इसलिए आज मैं इसके लड्डू बनाना सिखा रही हूं। क्योंकि रोज तो हमने बेसन के लड्डू, सूजी के लड्डू खाए हैं, आज आटे के लड्डू भी ट्राई करते हैं और देखते हैं ये कैसे बन के रेडी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटे को डाल दिया है और गैस की फ्लेम को इस टाइम पे लो कर दिया है। स्टार्टिंग में आपने कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म करना है, उसके बाद आपने गैस की फ्लेम को लो कर देना है, नहीं तो जो आटा है वो जलने लगेगा। तो आटे को हमने बिल्कुल भी जलाना नहीं है और इस टाइम पे मैंने इसमें कोई घी वगैरह नहीं डाला है। फिलहाल हम इसे रोस्ट करेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। तो इसको रोस्ट करते हुए मुझे 8 मिनट के समथिंग हो गए हैं, तो बस मैं इतना ही रोस्ट करूंगी, इससे ज्यादा रोस्ट आपने नहीं करना है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच घी। यहाँ पर मैं घी पार्टीशन में डालूंगी, तो पहले आपने 2 ही चम्मच घी डालना, उसे आपने मिक्स करना है और जैसे जैसे हमें लगते रहेगा कि घी की हमें मात्रा और चाहिए, हम वैसे वैसे उसे डालते रहेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे देखना है कि घी हमारा हो गया है या नहीं हुआ है, क्योंकि घी हमने ना ज्यादा डालना है और ना ही कम, बिल्कुल परफेक्ट हमने घी इसमें डालना है। तो देखो जैसे जैसे हमने इसमें घी को मिक्स करा है, इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का हो गया है। घी को डालने के बाद आपने इसे 2-3 मिनट के रोस्ट करना है जिससे घी अच्छे से ऐसा मिक्स हो जाए। देखिए इसमें घी की मात्रा कम लग रही है, तो मैं इसमें 1 चम्मच घी और ऐड कर रही हूँ। मैंने आपको बोला था कि जैसे मैं इसको पार्टीशन में करूंगी, तो मैं पार्टीशन में ही कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि आप उसे मिक्स करते भी रहेंगे और ये भी नहीं होगा कि आपने एक बार में घी ज्यादा डाल दिया तो आपका जो घी है वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट भुन के रेडी हो चुका है और इसका कलर भी बहुत ज्यादा डार्क हो चुका है, जैसे मार्केट में मिलते हैं ना लड्डू, बस वैसे ही बन के रेडी हुआ है। तो इस स्टेज में हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे थोड़ा सा ठंडा होना है, ज्यादा ठंडा होना नहीं रखना है। और जैसे ही हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, हमें इसे गैस से नीचे उतार के थोड़ा ऐसे चलाते रहना है, क्योंकि अभी जो कढ़ाई है वो बहुत ज्यादा गर्म है तो नीचे ना लगे, इसलिए हम इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल ली हूँ 4 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से क्या होगा, जो आपकी मिठाई है उसमें और भी बढ़िया टेस्ट आएगा। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, या इसकी जगह पे आप नारियल का बुरादा होता है जो वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बढ़िया टेस्ट आता है। बस आप नारियल के बुरादे को आटे के साथ ही रोस्ट कर लेना। और साथ ही अगर आप चाहें तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी यूज कर सकते हैं, मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं यूज कर रही हूँ। बढ़िया से इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल ली हूँ चीनी का बुरादा। अगर आपके पास चीनी का बुरादा नहीं है तो चीनी होगी उसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लीजिए, वो यूज कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 7 चम्मच चीनी का बुरादा यूज किया है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप जब इसको मिक्स कर लें उसके बाद आप इसे थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए कि आपके टेस्ट के लिए सही है। अगर आपको कम लग रहा है तो आप इसमें और मिक्स कर सकते। इसके बाद मैंने इसमें डाला है चुटकी भर इलायची पाउडर जिससे इस मिठाई में और भी बढ़िया टेस्ट आएगा। इसको भी हमने अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इसको हाथों से ऐसे करेंगे और ये अच्छे से ऐसा बाइंडिंग हो रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपके ऐसे बाइंडिंग टूट जा रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लीजिए, वो अच्छे से फिर बाइंड हो जाने लगेगा। तो यहाँ पर अभी ये थोड़ा सा गर्म है तो मैं इसी स्टेज में इसके लड्डू बना ले रही हूँ। आपने इसको ठंडा बिल्कुल नहीं करना है, गर्म गर्म में ही आपने इसके लड्डू बनाने हैं, नहीं तो ये सेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं इसके लड्डू का शेप दे रही हूँ, आप चाहें तो इसका पेड़े का भी शेप दे सकते हैं। पेड़े वाली मिठाई की रेसिपी मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई है, आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप उसे भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको लास्ट में ऐसे थोड़ा सा घुमा लेती हूँ हाथों के बीच में, इससे क्या होगा इसकी जो शेपिंग है वो बढ़िया सी आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप कितने बढ़िया बन के रेडी हुए हैं। हाथ में ऐसे घुमाने से क्या होता है, एक तो इनकी बढ़िया सी शेपिंग आ जाती है, साथ ही साथ वो ठंडे भी होने लग जाते हैं। तो ऐसे ही लड्डुओं को बना के हम प्लेट में रखते रहेंगे और फटाफट से यहाँ पर बना लीजिए, किसी और की हेल्प ले लीजिए, नहीं तो ये ठंडा होने लगेगा। जैसे जैसे ये ठंडा होने लगेगा फिर इसमें बाइंडिंग नहीं आएगी, जैसे मैंने आपको बताया। तो एक और लड्डू बन के रेडी हो चुका है, तो सारे लड्डू को बना के रेडी करते हैं फटाफट से। और ये देखो बढ़िया से लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। आपने देखा ही होगा इन लड्डुओं को बनाना कितना ज्यादा आसान है और ये लड्डू बहुत ज्यादा टेस्टी भी होते हैं, तो आप इनको एक बार जरूर ट्राई करिएगा। आप इन लड्डुओं को 1 महीने के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि आप इन लड्डुओं को एक एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में रखें जिससे इसमें हवा पास ना हो और ये लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही रहे। और ये देखिए बढ़िया से लड्डू बन के रेडी हो चुके हैं। दिखने में जितने ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं, खाने में
उससे कहीं ज्यादा ये टेस्टी है। आपने देखा ही होगा इसको बनाने के लिए हमने कितने कम सामान के यूज किया है। और अभी आपको एक तोड़ के दिखाऊं कितने ज्यादा सॉफ्टली ये टूट रहा है, अंदर से इसकी लेयरिंग कितने अच्छे से आई हुई है। खाने में ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, मुंह पे जाते ही ये घुल जाते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको करना है इस वीडियो को एक लाइक, साथ ही साथ इस रेसिपी को अपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इस रेसिपी को कब ट्राई करने वाले हो। और अगर आपके माइंड में कोई नई रेसिपीज हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनकी रेसिपीज भी जल्दी से लाने की कोशिश करूंगी। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।